हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में गुवाहाटी रिफाइनरी, बरूनी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, डिगबोई रिफाइनरी, बोंगईगांव रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी में जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकली है, जिसमें मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसमें पे स्केल आपका 25,000 से 1,05,000 पर मंथ होगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन गुवाहाटी रिफाइनरी में 28 सीट्स हैं, बरौनी रिफाइनरी में 23 सीट्स हैं, गुजरात रिफाइनरी में 46 सीट हैं, मथुरा रिफाइनरी में जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए 33 सीट हैं, जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन पीआरपीसी पानीपत में 50 सीट्स हैं, टिगवोई में 45 सीट्स हैं, बोंगईगांव में 13 सीट हैं, पारादीप में 58 सीट्स हैं प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर पी प्रोडक्शन एंड यूनिट गुवाहाटी रिफाइनरी में 3 सीट है, बरौनी रिफाइनरी में 2 सीट्स हैं, गुजरात रिफाइनरी में 5 सीट्स हैं, मथुरा रिफाइनरी में 6 सीट है, डिगबोई रिफाइनरी में 13 सीट है, बोंगईगांव रिफाइनरी में 6 सीट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बोंगईगांव रिफाइनरी। गुवाहाटी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीट्स है, बरौनी रिफाइनरी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 सीट्स है, गुजरात रिफाइनरी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट्स है और मथुरा रिफाइनरी में 11 सीट्स है। असिस्टेंट फॉर पी एंड यू ओ एंड एम पानीपत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पारादीप में, पीआरपीसी पानीपत में 16 वैकेंसी है, डिगबोई में 4 वैकेंसी है, बोंगईगांव में 2 वैकेंसी है, पारादीप में 23 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की गुवाहाटी रिफाइनरी में 5 सीट से, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बरौनी रिफाइनरी में 2 सीट से, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की गुजरात रिफाइनरी में 1 सीट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पीआरपीसी पानीपत रिफाइनरी में 6 सीट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की डिगबोई रिफाइनरी में 4 सीट्स है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बोंगईगांव रिफाइनरी में 5 सीट्स है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पारादीप रिफाइनरी में 9 सीट्स है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन गुवाहाटी रिफाइनरी में 1 सीट से, बरौनी रिफाइनरी में 5 सीट से, गुजरात रिफाइनरी में 1 सीट से, हल्दिया रिफाइनरी में 3 सीट से, मथुरा रिफाइनरी में 4 सीट से, पीआरपीसी पानीपत रिफाइनरी में 6 सीट से,
टेकबोई में 5 सीट से, बोंगईगांव रिफाइनरी में 3 सीट से, पारादीप रिफाइनरी में 9 सीट से। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4 गुवाहाटी रिफाइनरी में 1 सीट से, बरूनी रिफाइनरी में 5 सीट से, गुजरात रिफाइनरी में 4 सीट से, हल्दिया रिफाइनरी में 2 सीट से, पीआरपीसी पानीपत में 5 सीट से, टेकबोई रिफाइनरी में 7 सीट से, बोंगईगांव रिफाइनरी में 5 सीट से। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी गुवाहाटी रिफाइनरी में 2 सीट से, गुजरात रिफाइनरी में 4 सीट से, हल्दिया रिफाइनरी में 2 सीट से, मथुरा रिफाइनरी में 2 सीट से, पीआरपीसी पानीपत में 4 सीट से। जूनियर मटेरियल असिस्टेंट 4 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 बरूनी रिफाइनरी में 1 सीट से, गुजरात रिफाइनरी में 3 सीट से। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट 4 बरूनी रिफाइनरी में 1 सीट से। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट कोड 201, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका प्रोडक्शन जूनियर इंजीनियर के लिए, केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीएससी होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में। मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपका जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के लिए 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या बीएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रोटेटिंग शिफ्ट पंप हाउस में, फायर हीटर में, कंप्रेसर डिस्टिलेशन कॉलम रिएक्टर हीट एक्सचेंजर आदि को ऑपरेट करने का कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, हैवी केमिकल गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU पोस्ट कोड 202, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से और बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट 1st क्लास या 2nd क्लास का कंप्लीट होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस डिप्लोमा मैट्रिक ITI फिटर और बॉयलर कंपटेंसी सर्टिफिकेट होल्डर। ITI की बात, यदि आपने बॉयलर कंपटेंसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU पोस्ट कोड 202 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या BSc के साथ आपने बॉयलर अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 PNU की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, बस आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में और आपने बॉयलर कंपटेंसी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया होना चाहिए 1st या 2nd क्लास में ITI के साथ, या आपने BSc किया होना चाहिए साथ में बॉयलर अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए।
टेंथ के साथ आई टी आई फिटर, साथ में बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास। तो आप इस पोस्ट कोड 202 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर पी एंड यू का पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बीएससी किया हो आपने पीसीएम में, साथ में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हो बॉयलर ट्रेड पे, 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, साथ में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट ने 50% एग्रीगेट मार्क्स से डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए और एस सी एस टी कैंडिडेट ने 45% एग्रीगेट मार्क के साथ डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए। इसमें इस पोस्ट के लिए आपसे 1 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आईटीआई कैंडिडेट के लिए 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिप्लोमा कैंडिडेट का मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल बॉयलर, एचआरएसजी, थर्मल पावर स्टेशन, डीएम प्लांट, आरओ प्लांट, एयर कंप्रेसर, स्टीम टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस, कूलिंग टावर, आरओ प्लांट, एयर कंप्रेसर इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, हैवी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कंप्लीट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बोंगेगांव रिफाइनरी, पोस्ट कोड 203। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मिनिमम जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट ने 50% मार्क के साथ डिप्लोमा कम्प्लीट किया होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने 45% मार्क के साथ में डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर पी एंड यू, ओ एंड एम, पानीपत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एंड पारादीप रिफाइनरी, थ्री इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम परसेंटेज मार्क्स से 50% एस सी एस टी जनरल ओ बी सी के लिए और 45% एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए। गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, डिगबोई एंड बोंगेगांव रिफाइनरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन मेंटेनेंस, पावर जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस, एलटी एंड एचटी इट 0.4 किलोवाट और 0.6.6 किलोवाट लेवल या इसके ऊपर, मेंटेनेंस, हाई टेंशन, लो टेंशन स्विच गियर्स, पीसीसी, एमसीसी, ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, एसीबीस, वीसीबीस, यूपीएस, बैटरी चार्जर्स, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स, प्रोटेक्टिव रिलेस इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टैटिक, न्यूमेरिकल रिलेस इन पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, हैवी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट, लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। 1 ईयर का आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर पी एन यू, ओ एन एम, पोस्ट कोड 203। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर, पोस्ट कोड 204। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एग्रीगेट 50% मार्क के साथ डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और एस सी एस टी कैंडिडेट और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स साथ में
डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। मैट्रिक के साथ आईटीआई, फिटर ट्रेड, पास कैंडिडेट भी, पोस्ट कोड 204, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 का फॉर्म भर सकता है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस ओवर हॉलिंग ऑफ रोटरी इक्विपमेंट जैसे कंप्रेसर, गैस स्टीम टर्बाइंस, बॉयलर्स, कॉलम्स, वॉल्व्स, पंप्स, मैकेनिकल सील्स, ड्राई गैस सील्स, बेयरिंग्स, जनरल बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, सेफ्टी वॉल्व्स आदि। पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में, हैवी केमिकल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स रिफाइनरी, पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आपने 1 ईयर वर्क किया हो मिनिमम, कम से कम उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट कोड 204 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4, पोस्ट कोड 205। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए आपका। 50% मार्क्स जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 40% मार्क एससीएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। कम से कम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम के मेंटेनेंस जैसे डीसीएस, पीएलसी विथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वॉल्व, स्मार्ट पोजिशनर्स लूप कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन एनालाइजर, कंडीशन मॉनिटरिंग, केबलिंग, अर्थिंग आदि। पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हैवी केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट्स, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट से 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4, पोस्ट कोड 206, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। जनरल ओबीसी के लिए 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए बीएससी और एससीएससी कैंडिडेट के लिए बीएससी 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए एग्रीगेट। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एचपीएलसी, एक्सआरएफ, डब्ल्यू डी एक्सआरएफ, जीसी, आईसीएपी, एएएस, ऑटो एनालाइजर्स, प्लेस पॉइंट्स आदि में, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हैवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट्स, लार्ज इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में आपने वर्क किया हो और आपको वहाँ से 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त हो या उससे अधिक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4, पोस्ट कोड 206। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, फायर एंड सेफ्टी, पोस्ट कोड 207। मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम एनएफएसजी नागपुर या इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स, कोई दूसरे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जैसे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट होगी करवाल्स, असमियस, गोरखा मेंबर्स और शेड्यूल ट्राइब के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड एंड 86 सेंटीमीटर एक्सपांडेड, फुली एक्सपांडेड के साथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन। वेट मिनिमम होना चाहिए 50 किलोग्राम्स। टेस्ट क्वालिफिकेशंस बीएमआई बियॉन्ड 28 विथ सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट फॉर कैंडिडेट अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, बीएमआई बियॉन्ड 30 विथ सिस्टम इन्वॉल्वमेंट फॉर कैंडिडेट्स अबाउट 35 ईयर्स। मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, विजन होना चाहिए आपका आई विजन, बेटर आई विजन होगा आपका 6x6 विथाउट 8 एलिजिबल विजन, 6x6 ओनली,
और बेकार आई होंगी आपकी 6/12। आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको रतुंधे की बीमारी नहीं होना चाहिए। आपके फ्लैट फुट, नॉकनी, स्क्विड आईज आदि की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर एंड सेफ्टी सेटअप इन्वॉल्विंग हैंडलिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फायर वाटर नेटवर्क्स रिलेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम में, एनर्जी हैंडलिंग में, इमरजेंसी हैंडलिंग फायर फाइटिंग में, ऑपरेशन फायर टेंडर्स का, पंप हाउस आदि का, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल हैवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स पावर प्लांट, लार्ज इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में आपने वो कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी का फॉर्म फिलअप करने के लिए, जूनियर मटेरियल असिस्टेंट फॉर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर, पोस्ट कोड 210, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का डिप्लोमा कम्प्लीट होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 45% मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मटेरियल्स डिपार्टमेंट में परचेज, स्टोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट, साथ में कंप्यूटर प्रोफेंसी, वर्किंग नॉलेज ऑफ ERP का सिस्टम लाइक SAP आदि का। जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट फॉर, पोस्ट कोड 211, 4 ईयर्स का BSc नर्सिंग होना चाहिए या 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, मिडवाइफरी या गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% मार्क के साथ में जनरल ओबीसी कैंडिडेट और 45% SC ST कैंडिडेट के लिए। मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग, मिडवाइफरी या गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स एनी हॉस्पिटल नर्सिंग होम। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक से अधिक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है तो सभी पोस्ट जो आप अप्लाई करोगे रिजेक्ट कर दी जाएंगी। रिजर्वेशन SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर एक सर्विस मैन PWD EWS के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 5% की छूट मिलेंगी ओबीसी कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में। SC ST PWD कैटेगरी के रिजर्व कैंडिडेट को SC ST PWD कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए और स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट के लिए सेकेंड क्लास रेलवे का टिकट प्रदान किया जाएगा। जो मिनिमम 30 किलोमीटर आपका जो सेंटर होगा उसके पास ही होना चाहिए। 30 किलोमीटर से अधिक दूरी की डिस्टेंस यदि है आपके घर की तो आपको रेलवे का टिकट
दिया जाएगा IOCL की ओर से। SC ST PWD एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फीस नहीं होंगी, है फीस माफ़ है। एज लिमिट रिलेक्सेशन फॉर SC ST OBC NCL PWD एक सर्विसमैन। मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज होना चाहिए 26 ईयर जेंडर कैंडिडेट के लिए 30 सितंबर 2021 तक। 5 ईयर्स की छूट दी जाएंगी SC ST कैंडिडेट को एज में और 3 ईयर्स की छूट दी जाएंगी OBC NCL कैंडिडेट को। PWD कैंडिडेट को 10 ईयर्स की छूट दी जाएंगी। PWD SC ST कैंडिडेट को 15 ईयर्स की 15 वर्ष की छूट दी जाएंगी और PWD OBC कैंडिडेट को 13 ईयर्स की छूट दी जाएंगी एज में। डेट ऑफ इकोनॉगिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30/09/2021 तक आप के पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। सेलेक्शन मेथोडोलॉजी स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रोपेंसी फिजिकल टेस्ट, SPPT फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। रिटर्न टेस्ट के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होंगी। मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आना रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होने के लिए। फाइव परसेंट मार्क्स की छूट होंगी SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होंगी जो आपने रिटर्न टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेंड किए, प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा SPPT टेस्ट के लिए। आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। आप IOCL का मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस की जो फॉर्मेट है वो देख ले सकते हैं आप। IOC refinery recruitment.in में जाके, IOC refinery recruitment में जाके एडवर्टाइजमेंट PDF में देख सकते हैं कि आपका मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस फॉर्मेट कैसा होगा IOCL का। आपको यह फॉर्म IOCL.com पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से फीस पे करना है। आप इस फॉर्म को भरते समय ऑनलाइन
IUCL.com में जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म सबमिट करेंगे और फीस सबमिट करेंगे SBI ई कलेक्टर के द्वारा। एप्लीकेशन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2021। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है? सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। संबंधित डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, आपके एक्सपेंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, सभी स्कैन कॉपी होना चाहिए आपकी, कलर फोटोग्राफ्स होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, जिनका साइज 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप IOCL.com की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से आप नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2021 में रिफाइनरीज डिविजन्स में जाएंगे। आपको जिस डिवीज़न में अप्लाई करना है डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और फिर उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। यह वेबसाइट 21/09/2021 से ओपन होगी और 12 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। आपसे IUCL ऑल कम्युनिकेशन मेल SMS के माध्यम से करेंगे। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट जिस रिफाइनरी में आपने अप्लाई किया है वहाँ आपको पोस्ट करना है ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, जो 23/10/2021 तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए उस रिफाइनरी में। ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ड्यूली असिस्टेड, ड्यूली साइन, कलर फोटोग्राफ्स, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज। जिस रिफाइनरी के लिए आपने अप्लाई किया है ऑर्डिनरी पोस्ट करना आपको एनवेलप में भर के 23 अक्टूबर 2021 तक, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, ITI फिटर से यदि आपने किया है तो सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की